सुशांत सिंह राजपूत पर कई बयान दिए हैं कंगना रनावत ने, लेकिन अब उन्होंने जो कहा है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अपने पद्मश्री को लौटाने तक की उन्होंने बात कह दी है। क्या है वजह कि किस वजह से वो अपना पद्मश्री लौटाने की बात कह रही हैं? बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। 14 जून वो काला दिन था जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। उनकी सुसाइड के बाद से ही बॉलीवुड में माफिया जो था वो बाहर आने लग गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इल्जाम कई लोगों पर लगा है। कहा जा रहा है कि यशराज ने उन्हें इस तरीके से डिप्रेशन में डालने की कोशिश की थी कि उनकी लाइफ जो थी वो खराब हो गई थी। और इसमें सिर्फ यशराज का ही हाथ नहीं था, इसमें करण जौहर, सलमान खान फिल्म्स, एकता कपूर, इन सभी का नाम जो है वो सामने आया था। वेल, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की छवि को खराब करने के लिए भी किस तरीके से ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे, उन सभी बातों पर भी कंगना रनावत ने गौर करवाया था। कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कई वीडियोस बना चुकी हैं। यहां तक कि बांद्रा पुलिस ने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या बांद्रा पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया है, आपसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बात पर हामी भी भरी। उन्होंने कहा, बांद्रा पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने मुझे कांटेक्ट किया था पूछताछ करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस समय मैं मनाली में रह रही हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप किसी को मनाली भेज सकते हैं मेरा बयान दर्ज करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा बयान, जो वो बयान उनको देने वाली है या जो कहना चाहती है, अगर वो सही साबित नहीं हुआ या अपनी किसी भी बात को वो सही साबित नहीं कर पाई तो वो अपना पद्मश्री लौटा देगी। और इसकी वजह ये है कि वो उसको फिर उसके लायक ही नहीं समझती है, यानी कि वो अपने आप को पद्मश्री के लायक ही नहीं समझती है। उसके बाद कंगना ने ये भी कहा कि कंगना को उसके बाद से ही मुंबई पुलिस ने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया है, कि अगर एक बार जब उन्होंने उनको मनाली आने के लिए कहा कि अगर कोई मनाली आके मेरा स्टेटमेंट ले सकता है तो आप मुझे बताइए, इस बारे में जैसे ही जिक्र हुआ उसके बाद से ही मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई भी रवैया या तो मनाली की तरफ या फिर कंगना रनावत की तरफ जो है वो नहीं किया है। ऐसे में कई खुलासे जो है कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कर चुकी हैं, फिर चाहे वो ब्लाइंड आर्टिकल हो, फिर चाहे मी टू मूवमेंट पे उनके ऊपर एलिगेशंस हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में खुलकर कंगना रनावत बात कर चुकी हैं। ऐसे में कंगना रनावत ने जो चैलेंज किया है कि अपनी बात को अगर वो साबित नहीं कर पाई तो वो पद्मश्री लौटा देंगी, ये चैलेंज बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कई बॉलीवुड स्टार्स ने उनका साथ भी दिया था जब उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। क्या कहना चाहेंगे कंगना रनावत के इस डिसीजन के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके कमेंट के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।